तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, जवान की ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने की डेट और टाइम आ चुकी है और मैं आपको बताऊंगा ये मूवी आज 56वां दिन चल रहा है, स्टिल थिएटर पर राज कर रही है और जबरदस्त तरीके से चल रही है। इस बीच इतनी मूवीज आई हैं, सभी मूवीज को इसने थरासा ही कर दिया, लेकिन ये मूवी अभी भी 50 दिन तो इसने कम्प्लीट करे ही करे, लेकिन आज 56वां दिन है, आज के दिन भी ये मूवी चल रही है। यहाँ पर कॉम्पिटिशन सॉलिड मिल रहा है इसको, लेकिन उसके बावजूद ये मूवी बिल्कुल थरासा ही नहीं हुई है। तो आगे अभी बात करेंगे टाइगर 3 के एडवांस बुकिंग के बारे में, इसके फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बारे में भी बात करेंगे, कब से एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी और कब फर्स्ट डे पर अरेंज कर रहा है, क्योंकि वायरा प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स टाइगर 3 के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। पठान से जो उनके मुँह में खून लगा है 1000 करोड़ कमाने का, इंडिया की बॉलीवुड हिंदी सिनेमा की नंबर 1 मूवी है, पहली मूवी है जिसने 1000 करोड़ कंप्लीट करे वायरा प्रोडक्शन हाउस के नियंत्रण में। तो भाई ये उनकी सेकेंड मूवी है जिसका कंटेंट सुपर सॉलिड है, जो जवान के रिकॉर्ड को भी बीट डाउन करने की पूरी दम रखता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, क्योंकि ये मूवी अनबीटेबल अनडिस्प्यूटेड तरीके से जबरदस्त तरीके से राज कर रही है थिएटर में। इस बीच बहुत सी मूवीज आई हैं, मैं आपको बताऊंगा, वो सारी मूवीज धराशायी हो गई, और कोई सिंपल मूवीज नहीं आई, बड़े बड़े सुपर स्टार्स की मूवीज आई हैं, वो सारी मूवी धराशायी होगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको बताऊंगा कि जवान को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, यानी ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी कब, कल 2 नवंबर शाहरुख खान के बर्थडे पर। और यस, इस दिन 2 बॉम्ब फूटेंगे शाहरुख खान की तरफ से। पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जवान आ जाएगी विद एक्सटेंडेड वर्जन, जो 20 मिनट का कट कर दिया गया था, क्योंकि मूवी थिएटर हाउस में 2 घंटा 45 मिनट के अराउंड में चलाई गई थी, लेकिन यह मूवी अब जवान ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर चलाई जाएगी लगभग 3 घंटे का। जो 20 मिनट का जबरदस्त सीन सिक्वल है उसे यहां पर ऐड करके दिखाएंगे और इस मूवी की लेंथ अब 3 घंटे तक हो जाएगी। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने का यह फायदा है कि यह मूवी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ईजिली अवेलेबल का मतलब आप समझ ही सकते हो कि ये मूवी और कहाँ से आपको मिल सकती है। खैर, मूवी लवर्स हैं वो कहीं ना कहीं से ये मूवी निकाल ही लेंगे, जिसके बाद नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन पैक भी नहीं है, तो इसके बारे में आगे बात नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम है व्हाट इज द एक्चुअल सोर्स। साथ में डंकी का टीजर भी आपको कल 2 नवंबर पर देखने को मिल जाएगा, और सॉलिड तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है। भाई साहब, इस मूवी ने हिंदी सिंगल लैंग्वेज से 1 मूवी बन चुकी है कमाई के मामले में, नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में बॉलीवुड की 1 बन चुकी है, उसके बाद वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भी बॉलीवुड हिंदी सिनेमा की 1 मूवी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने सिर्फ हिंदी से अभी तक 583 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रख लिया है। इसी के साथ टोटल नेट इंडियन कलेक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो ये मूवी 641 करोड़ का सुपर सॉलिड आंकड़ा अपने खाते में रख लिया, जबकि अभी तक नेट इंडिया से कोई भी बॉलीवुड की मूवी इतने बड़े आंकड़े को अपने नाम नहीं कर पाई है। ये लाइफ टाइम कलेक्शन होता है बहुत सी मूवी का, लाइक आप चेन्नई एक्सप्रेस ले लो, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अराउंड 450 से 500 करोड़ के आसपास थी। बजरंगी भाईजान का ले लो, उसका भी कलेक्शन बहुत नीचे था, अराउंड 600 करोड़ के आसपास ये मूवी कवर अप करी थी। सुपर सॉलिड इनकम ओवरसीज से, बाहरी दुनिया से इस मूवी ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, लगभग 389 करोड़, जो पठान के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाई। पठान ने 400 करोड़ की कमाई सिर्फ ओवरसीज से करी थी, लेकिन ये मूवी भाई कुछ ही दिन में 390 करोड़ भी इजीली टच कर जाएगी पूरी दुनिया से। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी अभी तक कितना कर चुकी है, 1149 करोड़, 1149 करोड़। भाई साहब, ड्रीम होता है ये बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस का कि ये मूवी 1000 करोड़ कंप्लीट कर जाए, लेकिन इस मूवी ने न कि सिर्फ 1000 करोड़ कंप्लीट करे, उसको क्रॉस भी किया और आज 1150 करोड़ के आसपास ये मूवी पहुंच चुकी है, और कुछ ही दिनों में आने वाले 4 से 5 दिन में ही 1150 करोड़ ये मूवी कंप्लीट कर भी लेगी। तो ये सब जवान की ग्लोरी शानदार चल रही है, शाहरुख खान का स्टारडम जबरदस्त तरीके से चल रहा है, क्योंकि इस बंदे ने 4 साल का गैप लिया था 2018 के बाद, जब ये 0 मूवी आई थी उसकी जबरदस्त तरीके से फ्लॉप हुई। तो 4 साल बाद जब ये आया है और जो सॉलिड तरीके से पटा है वो हम देख ही रहे हैं, पठान आई और अब जवान। जवान का तहलका जो अभी चल रहा है, हम सभी जानते हैं किस लेवल की कमाई ये मूवी कर रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आ रही है, लेकिन टाइमिंग क्या है ये आपको कब मिल जाएगी वो भी आपको बताऊंगा। आज रात 12 बजे ये मूवी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, कहाँ, नेटफ्लिक्स पर। बात करते हैं अभी टाइगर 3 के बारे में। भाई साहब, टाइगर 3 के प्रोडक्शन हाउस वायरफ ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो में जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। देखो, होता है बहुत से
फैंस के एक्साइटमेंट होता है कि फर्स्ट डे जाएं और फर्स्ट शो ही देखें, क्योंकि बहुत से ऐसे डाई हार्ट फैन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जो हमने जवान के टाइम पर देखा शाहरुख खान के ऐसे बहुत से डाई हार्ट फैन। भाई सुबह 4-4 बजे से ये मूवी चलाई गई है, तो यस अभी टाइगर 3 अरेंज करी गई है सुबह 7 बजे से चलाने के लिए, 12 नवंबर को जो रिलीज होने वाली है, तो भाई फाड़ के तो ये जाने वाले हैं। फर्स्ट डे बहुत सॉलिड कमाई करने वाली है। जवान का अगर देखें तो फर्स्ट डे सिर्फ हिंदी से 65 करोड़ की कमाई इस मूवी ने करी थी। तो क्या इस रिकॉर्ड को टाइगर 3 बीट डाउन कर देगा? इजीली बीट डाउन कर देगा, यस इसमें वो पोटेंशियल है, और इस मूवी के लिए बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं। 5 तारीख से एडवांस बुकिंग प्रॉपर फुल इंडिया में ओपन हो जाएगी, और यहाँ से जब रुझान हमें देखने को मिलेंगे ना, विद इन आवर जो हमें कलेक्शन देखने को मिलेगा, विद इन आवर जो हाउसफुल होते नजर आएंगे, भाई ऑसम हो जाएगा देखना। तो जवान जो अभी नंबर 1 पर बैठी है सिंगल लैंग्वेज हिंदी में कलेक्शन के मामले में, उसके बाद नेट इंडिया कलेक्शन के मामले में, और उसके बाद वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भी, तो भाई साहब एकमात्र मूवी टाइगर 3 है जिसके अंदर ये पोटेंशियल है, जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन KGF 2 तक के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन करने का जज्बा दम रखती है। लगभग 1250 करोड़ के आसपास KGF 2 का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, और जवान का तो आपको मालूम ही है 1150 करोड़ के आसपास है। तो यस ये मूवी इजिली 1200 करोड़ टच करने की ताकत रखती है, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत हाई चल रहा है, इसके कंटेंट में काफ़ी दम देखने को मिल रहा है। ऊपर से मनीष शर्मा जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने अभी तक ये एक बड़ी सॉलिड स्टेटमेंट भी दे रखी है कि भाई जो हमने टीजर में दिखाया, जो हमने ट्रेलर में दिखाया, वो तो मूवी का 1% भी नहीं है, और आपको मूवी में और भी इससे भयंकर देखने को मिलने वाला है। तो भाई बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत ज़्यादा वेट है कि कब 12 नवंबर आए और हम इस मूवी को देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप बताएंगे कि क्या टाइगर जवान के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर देगी, और OTT प्लेटफॉर्म के लिए जवान के लिए आप कितना वेट कर रहे हैं? कल मूवी रिलीज हो जाएगी, कल डंकी का टीजर भी आने वाला है, तो भाई कल का तो दिन बहुत शानदार है। और टाइगर 3 के लिए कितना वेट एक्साइटमेंट है आप लोगों का, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।